अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम ब्रेड सैंडविच केक बनाने लगे हैं और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चार अंडों को बॉईल करके कद्दूकश कर लें। एक पाव गोश्त बॉईल करके उसके ब्रेक भी रेशे कर लें। 16 ब्रेड के पीसेस, थोड़े से खीरा और स्ट्रॉबेरी जिसको डेकोरेशन के लिए रखा है, थोड़ी सी गोभी को कद्दूकश कर लें, थोड़ी सी गाजर को कद्दूकश कर लें, थोड़ी सी बेबी सफ़ेद मिर्च काट लें, 1/4 नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 कप मायोनीज, 1 कप क्रीम। एक बाउल में कद्दूकश किए हुए 4 अंडे डाल दें। वन फोर नमक डाल दें, आधी चम्मच काली मिर्च डाल दें, 1 कप मायोनीज डाल दें और इसके बाद इन सब को मिक्स कर दें। एक प्लेट में एक पाव रेशे के हुआ बॉयल गोश्त ले लें। आधा चम्मच इसमें काली मिर्च डाल दें, 1/4 नमक डाल दें, आधा कप मायोनीज डाल दें और इसके बाद इन सबको मिक्स कर दें। एक प्लेट में कद्दू का शीर कॉपी डाल दें। और इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें भी डाल दें। बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाल दें। आधी चम्मच काली मिर्च भी डाल दें। 1/4 नमक भी डाल दें। आधा कप मायोनीज डाल दें। और इसके बाद इन सबको मिक्स कर दें। ब्रेड के पीसेस को ट्रे में रख लें। और इन पीसेस के ऊपर पहली लेयर चिकन की लगा दें। चिकन के लेयर के ऊपर फिर दोबारा हम ब्रेड के पीसेस रखते हैं। और इन ब्रेड के पीसेस के ऊपर वेजिटेबल की लेयर लगाते हैं। वेजिटेबल के लेयर लगने के बाद फिर दोबारा ब्रेड के पीसेस लगा दें। और इन पीसेस के ऊपर अंडे और मायोनीज के लेयर लगा दें। अंडे और मायनीज के लिए के ऊपर भी ब्रेड के पीसेस लगाते हैं।
अब हम इस ब्रेड की क्रीम के साथ कोटिंग करेंगे। आप इसको मायोनीज के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्रीम के साथ इसकी कोटिंग कर रहे हैं। अब हम कुछ गाजर, खीरा, स्ट्रॉबेरी और क्रीम के साथ इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब इसको खीरे के साथ डेकोरेट कर लें, आप जिस मर्जी भी इसको डेकोरेट कर सकें। हम इसके चारों तरफ पर खीरे लगाएंगे। इसको मीट से डेकोरेट करने के लिए हम क्रश किए हुए गाजरों के साथ इसको डेकोरेट करेंगे। और अब हमारा केक तैयार होगा, जो देखने में बहुत ही यमी और अच्छा लग रहा है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।